दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि भारत 2020 में नंबर एक बन जाए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। भारत के लिए लाइक तो बनता है। भारतीय टीम को गुवाहाटी में मिली 9 विकेट की हार ने सीरीज को रोमांचक बना दिया है, क्योंकि टीम इंडिया की इस हार के बाद मौजूदा T20 सीरीज एक रन की बराबरी पर आ गई है। लेकिन ये हार टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को काफी समय तक याद रहेगी, क्योंकि इस एक हार से टीम इंडिया 3-3 उपलब्धियों से चूक गई। दूसरे T20 में मिली इस हार के साथ ही विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने का सपना चकनाचूर हो गया। इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2016 की शुरुआत में 3 T20 मैच की सीरीज में मात देते हुए क्लीन स्वीप किया था। हालांकि तब टीम इंडिया के वनडे और T20 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। गुवाहाटी के एसीए बारसापारा स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा था और इस मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने हार से साथ अपना खाता खोला। इस मैदान पर भविष्य में भी मैच खेले जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड बुक्स में तो ये बात दर्ज हो ही गई है कि इस मैदान पर खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी और इसे कोई भी कभी भी नहीं बदल पाएगा। टीम इंडिया अगर ये मैच भी जीत जाती तो ये एक बड़ी उपलब्धि साबित होती, क्योंकि ये जीत ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत की क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार 8वीं जीत भी होती। लेकिन ऐसा न सका। भारतीय बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया 20 ओवर में 118 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अपना सिर्फ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले बेहरेन डॉफ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के 27 वर्षीय इस गेंदबाज ने गेंद को दोनों ओर स्विंग कराया, जिसकी मदद से वह रोहित शर्मा 08, शिखर धवन 02 और विराट कोहली 00 जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट लेने में सफल रहे। बेहरेन डॉफ ने कोहली को अपनी गेंद पर कैच लपक कर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद बेहरेन डॉफ ने मनीष पांडे 06 को विकेट के पीछे कैच कराया, जबकि उनकी ही गेंद पर धवन का वन ने दर्शनीय कैच लपका। बेहरेन डॉफ ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट झटके। बेहरेन डॉफ के 4 ओवर का स्पेल भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। बेहरेन डॉफ का प्रदर्शन किसी भी तरह के T20 मैचों में उनका सर वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम 5वें ओवर में 27 रन पर 4 विकेट गंवाकर गहरे संकट में घिरी नजर आ रही थी। ऐसे में केदार जाधव 27 और महेंद्र सिंह धोनी 13 ने 5वें विकेट तक के लिए 33 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि लेग स्पिनर एडम जाम्पा ने मध्य के ओवरों में जाधव और धोनी के विकेट झटकते हुए भारत पर नकेल कसी। उन्होंने धोनी को स्टंप आउट कराया, जबकि केदार को बोल्ड किया। धोनी और केदार के आउट होने से भारत का स्कोर 6 विकेट पर 67 रन हो गया। हार्दिक पांड्या 25 ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन यह भारत के स्कोर को चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए काफी नहीं था। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। दूसरे ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कप्तान डेविड 102 को कोहली के हाथों कैच कराया। अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एरोन फिंच 08 को भी कोहली के हाथों लपकवाया। तीसरे ओवर में 13 रन के स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन हिट और हेनरिक्स की साझेदारी ने भारत से मैच छीन ला। यार और ऑस्ट्रेलिया ने 15.3 ओवर में 2 विकेट पर 122 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मोइसेस ने 46 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1 रन 1 सेकंड बराबरी हासिल कर ली।